इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ के स्नातक अधिकार मंच के कार्यालय में, और हमारे साथ हैं नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप कुमार जी। और ये इनका एक अभियान चला है इस कोरोना के जंग में, ये मास्क बनवा कर लोगों के बीच वितरित करते हैं। और यही नहीं, केवल नालंदा में ही नहीं बल्कि नवादा से पूरा पटना, कई इलाकों में जा जा कर लोगों को अवेयर कर रहे हैं और लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइज़र और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ये लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं। तो दिलीप जी बताइए, आप इतना बड़ा अभियान लेकर चले, अभी तक जो समय गुजर रहा है इसमें आपने कितने मास्क बांटे होंगे? देखिए, जिस समय से पहला बार लॉकडाउन हुआ, मैं लॉकडाउन के पहले दिन से ही हम लोग स्नातक अधिकार मंच के बैनर तले अपने आप खुद ही मास्क, चूंकि सरकार की तरफ से या जो भी कंपनियां थी वो उन्होंने पहले ही हाथ उठा दिया कि मास्क हमारे पास नहीं है, तो हम लोग अपने खुद के मास्क बनवा करके लोगों के बीच जा करके, पहले जो गरीब असहाय लोग हैं उनके बीच हमने जा जा करके बांटने का काम किया। और मुझे शुरू दिन से ये एहसास हो गया था कि जब लॉकडाउन 2 आएगा तो किसी न किसी हाल में इसको कंपलसरी किया जाएगा कि लोगों को मास्क जरूर पहनना है। देखिए, वो चीज़ आपके सामने आ गई। हम लोग करीब करीब अभी तक 7,000 मास्क का वितरण कर चुके हैं और अभी भी हम लोग के पास रेगुलर जो है 5 से 6 हज़ार प्रतिदिन बनता है। उस हिसाब से आप देख भी रहे हैं, यहाँ आपके सामने भी करीब करीब 10,000 मास्क अभी भी हम लोग के यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, ये आप मानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोग अवेयर नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्योंकि उनमें भी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, चैन को तोड़ रहे हैं वो लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या कदम होगा आपका? नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दीपक जी, कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी घुमा हूँ, शहर से अच्छी स्थिति गाँवों की है। दो चीज़ तो वहाँ हमको जरूर देखने को मिला है कि किसान जो खेत में भी काम कर रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग क्या उससे अधिक डिस्टेंसिंग रख के वो लोग काम कर रहे हैं, और गाँवों में कहीं भीड़ नजर नहीं आएगी आपको, वो लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। रह गई बात, कुछ किसान के साथ मजबूरी होती है, उस मजबूरी के तहत उनको खेतों में काम करना होता है, गेहूं नहीं कट पाया था, गेहूं कटवाना होता है, बहुत सारा काम है, तो गांव में भी सोशल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सरकार के सिर्फ टीवी के रूप में भाषण देने से ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं जनता के बीच, गरीब गुरबा के बीच, हालांकि मुखिया लोग लगे हुए हैं, पंचायत प्रतिनिधि लगे हुए हैं, उनको भी सारा चीज़ मुहैया नहीं हो पा रहा है जितना एक पंचायत में चाहिए। हर पंचायत में कम से कम 10 से 12 गांव होता है, 50 बोरा कम से कम चाहिए हर पंचायत में ब्लीचिंग पाउडर, मास्क का संख्या चाहिए, सैनिटाइजर उपलब्ध अगर नहीं है तो हम लोग साबुन से भी कह सकते हैं कि हाँ, हाथ को धोते रहिए, तो ये सब पब्लिक अवेयरनेस जगाने का ज़रूरत है। तो जैसा कि दिलीप कुमार जी का कहना है कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जितनी संख्या में लोग हैं उस तादाद में उन लोगों को मास्क या सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इनका छोटा सा प्रयास कहा जाए इस क्षेत्र में और लोगों को अवेयर करने का, ये बड़ा कदम है इनका, दिलीप कुमार जी का। तो मैं इस कोरोना के जंग में ये जो लड़ाई में शामिल हैं इसके लिए इनका मैं शुक्रगुजार हूँ, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं भी लोगों से अपील करता हूँ कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और मास्क ज़रूर लगाएँ।